कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यू नो इज़ माई स्पेशलिटी तो टास्क टू से रिलेटेड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत बता चुकी हूँ लेकिन क्वेश्चन ये आता टास्क वन में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाएं क्योंकि वहाँ पर बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता वो जस्ट हैव टू से कि ये इंक्रीज हुआ फिर ये डिक्रीज हुआ एंड देन ये सेम रहा तो इस चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स तरीके से कैसे लिखें आज वही चीज़ हम एड्रेस करेंगे और स्पेशली ये जो है अब बैंड सिक्स पॉइंट फाइव से जो आगे बढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है जो सेवन सेवन प्लस लेना चाहता है बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उन्हीं को टास्क वन में चाहिए उन्हें टास्क वन में भी कॉम्प्लेक्सेंटें लेके आने क्योंकि उनका टारगेट ऐसा है कि अभी उन्हें सेवन प्लस चाहिए तो उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यहाँ पर कैसे आएंगे आज मैं सिंगल लाइन डिस्कस करूँगी आप सेंटेंस का लेवल देखना एंड देन यू विल सी कि लाइक इट्स रियली अ लेवल आप रियली अ नेक्स्ट लेवल सेंटेंस दैट यू कैन मेक एन ईजी है ये सब कुछ कैसे मैं एक ही लाइन में बताने वाली हूँ लाइक uh, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है पहले मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ये एक पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज है ड्रीज है अगेन फिर राइज है आप सेंटेंस देखो एंड देन एक्सप्लेन करूँगी मैं इंक्रीजिंग ये है क्या एम रेली सॉरी चाइना का बर्थ रेट है यहाँ फर्टिलिटी रेट कह सकते हैं परसेंटेज में फिगर दी हुई है चाइना का बर्थ रेट है इंक्रीजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली इसको पूरा ही लिखना आपने टेन परसेंट इंक्रीजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और इसका मतलब क्या होता है जब मैं इस तरह से स्टार्ट करती हूँ मीन्स बढ़ते हुए बढ़ते हुए इन, और ये स्टार्ट हो रहा है आपको शायद देखने में से शुरू में अजीब लग रहा है बट आगे जाके सब सॉर्टेड हो जाएगा कॉम्प्लेक्सनेस बनने वाला है इंक्रीजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉरी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव या थर्टी या थर्टी फाइव या फोर्टी फोर्टी फाइव इस तरह से है टेन परसेंट से बढ़ते हुए अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी तो फ्रॉम आ गया तो टू भी आएगा ही टू फिफ्टीन परसेंट इन कहाँ है ये नाइनटीन थर्टी फाइव में फ्रॉम इन रिजिंग फ्रॉम टेन परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी टू फ्रॉम और टू का रिलेशन होता है टू फिफ्टीन परसेंट इन नाइनटीन थर्टी फाइव फिर कॉमा डाल के हम बताते किसकी बात हो रही है चाइनाज बर्थ रेट, दे प्लस्ड ये हो गया अब हम इसकी बात कर रहे हैं प्लन्स्ट अब सेंटेंस का लॉजिक देखो क्या है बढ़ते हुए 10 से 15 तक चाइना का बर्थ रेट फिर गिरा हिंदी में समझो अगर आपको हिंदी में कोई कुछ इस तरह से कोई बोलता है स्टार्ट ये नहीं कह रहा वो कि चाइना का बर्थरेट बड़ा फिर गिरा नहीं एक कहने का वे चेंज हो जाता है उसी को हम कहते हैं कि ये ग्रामेटिकल रेंज हमने दी हुई है इतने तरीके से हमें सेंटेंस बनाना आता है बढ़ते हुए से स्टार्ट कर लिया मैंने बढ़ते हुए हिंदी में समझो और उसको ट्रांसलेट करो अपने माइंड में बढ़ते हुए इंक्रीजिंग फ्रॉम टेन परसेंट इन टू थाउजेंड ये ईयर्स तो साथ में आते ही हमेशा कि इन इसमें दो हज़ार नाइनटीन ट्वेंटी में और नाइनटीन थर्टी फाइव में हुआ था तो इंक्रीजिंग फ्रॉम नाइनटीन थर्टी फाइव इन नाइनटीन रियली सॉरी इंक्रीजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी दस परसेंट से बढ़ते हुए पंद्रह तक से और तक का रिलेशन है से पंद्रह तक टू मीन्स तक फ्रॉम मींथ से 1935 में यहाँ तक चाइना का बर्थ रेट फिर गिरा क्या बोल रही हूँ 10 से 15 तक बढ़ते हुए चाइना का बर्थ रेट फिर गिरा कॉमा के बाद वो जो नाउन होगा ना वो कॉमा के बाद जिस जिस चीज़ की बात हो रही है वो कहाँ आया हमारा कॉमा के बाद इंक्रीजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी टू फिफ्टीन परसेंट फ्राम टेन परसेंट टू फिफ्टीन परसेंट बढ़ते हुए चाइना का बर्थ रेट फिर गिरा प्लान टू अब मैं आगे क्या लिखूंगी टू अ लो ऑफ ये चीज़ याद रखनी है अ लो ऑफ जब भी मैं मिनिमम पॉइंट बता रही हूँ अब इससे कुछ छोटा होता तो मैं यहाँ अ लो ऑफ नहीं लिखती लेकिन ये सबसे छोटा है तो प्लान टू अ लो ऑफ ऑफ लिख दिया तो एट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं प्रपोजिशन भी ऑटोमेटिकली आ गई अ लो ऑफ फाइव परसेंट इन 1940 अब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया यहाँ पर मैंने दो चीज़ें एक साथ बता दी इंक्रीज बढ़ते हुए 10 से 15 तक चाइना का बर्थरेट फिर गिरा टू अ लो ऑफ मीन्स मिनिमम पाँच तक गिरा तो अपने मिनिमम तक गिर गया टूवेल ऑफ का यही मतलब होता है कि वो अपने मिनिमम पर आ गया अब इंक्रीज मैं ये नहीं कहूँगी इट वॉज देन इंक्रीज इट इंक्रीज नो इसके बाद जब भी किसी के बाद कुछ आता है तो हमने हमेशा ये लेना है या हमेशा नहीं एक ही बार यूज़ करेंगे दो तीन बार एक ही चीज़ यूज़ कर सकते तो दिस वॉज फॉलोड बाय फॉलोड बाय के बाद हमने क्या लेनी है वर्ब uh, की फर्स्ट फॉर्म लाइक सिंपल वैसे वो वर्ब है नहीं यहाँ पर एज अ नाउन ही यूज़ करेंगे आपका जो इंक्रीज है राइज है ये नाउन होता है इंक्रीज नहीं होता इंक्रीज हमारे यहाँ लाइक इंक्रीज 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 वर्ब भी है इंक्रीज को एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं तो राइज और इंक्रीज भी मतलब आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है फॉलोड बाय अ राइज दिस वॉज फॉलोड बाय अ राइज सॉरी इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ एन एक्सपोनेशियल राइस अब इसके पीछे पीछे एक पीरियड आ रहा है तो दिस फॉलोड बाय के बाद क्या मतलब क्या आ रहा है पीछे पीछे इसके क्या आ रहा है इसके पीछे क्या है राइज है एक राइज का पीरियड है मतलब एक पीरियड है राइज का पूरा अ पीरियड ऑफ एक्सपोनशियल राइज विद फर्टिलिटी रेट प्लजिंग प्लंज यूज हो चुका है सॉरी राइज इंक्रीज की बात हो रही है ना रीचिंग टू अ हाई ऑफ भी ले सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम है उसके बाद ये गिरी राय टू अ हाई ऑफ भी कह सकते हैं या फिर रीचिंग एट द पीक ऑफ ऑफ यहाँ दोनों ही चल जाएंगे या फिर अ हाई ऑफ हाई के साथ सिर्फ ऑफ लगेगा जैसे अ लो ऑफ है ना वैसे ही ये ऐट पीक के साथ एट है फिगर कैसे बताई मैंने दिस वॉज फॉलोड बाई पीरियड ऑफ राइस इसके पीछे पीछे क्या आया है पीरियड ऑफ राइस अब विद मतलब के साथ होता है के साथ तो हिंदी में भी उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं फर्टिलिटी रेट ट्वेंटी परसेंट पहुँचने के साथ ये मतलब इसके पीछे पीछे एक राइज आई फर्टिलिटी रेट ट्वेंटी परसेंट पहुँचने के साथ पहुंचने के साथ विद द फर्टिलिटी इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करो विद फर्टिलिटी रेट रीचिंग एट मतलब बीजेम आर बीच में कुछ नहीं है तो इस तरह का सेंटेंस यू नीड टू प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी परफेक्ट दिस वॉज फॉलोड बाई अ पीरियड ऑफ राइज इसके पीछे एक पीरियड ऑफ राइज आया विद फर्टिलिटी रेट रीचिंग एट द पीक ऑफ ट्वेंटी परसेंट इन 1950 अब इसके बाद क्या आ रहा है अब एक और डिफरेंट तरीका मैं बताने जा रही हूँ जैसे मान लो 2000 कुछ भी है पहले सिंपल तरीके से देखते हैं 2001 में इंक्रीज हुआ तो मैं ये नहीं कहूँगी इन 2001 थाउजेंड वन द फिगर इंक्रीज मैं क्या कहूँगी द ईयर 2001 थाउजेंड वन ब्रॉड जो ईयर है 2001 वो एक एक इंक्रीज लेके आया मतलब है सिंपल है, है दोनों ही सेंटेंस लेकिन ये कहने का वे कितना इंटरेस्टिंग है ईयर 2001 थाउजेंड वन एंड इंक्रीज़ इंक्रीज़ लेके आया तो यहाँ पर भी मैं वही ले रही हूँ 1950 के बाद ये बाकी की सारी सेंचुरी जो है 2000 तक ये हाफ सेंचुरी हो गई हमारी हाफ सेंचुरी में सारी डिक्रीज़ ही है तो मैं क्या कहूँगी जो हमारी नेक्स्ट हाफ है सेंचुरी की वो एक डिक्रीज़ ही लेकर आई है द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी नहीं तो मतलब आपके पास सेंचुरी नहीं है तो आप ईयर ले सकते हो तो तरह से कि ये ईयर जो है इंक्रीज लेके आए या ये ईयर या ये डिक्रीज लेके आए द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी ब्रॉड अ सस्टेन्ड अब इसका क्या मतलब है इधर मैंने सॉरी एक्सपोनेंशियल लिया था इसका मतलब होता है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ क्योंकि यहां तेजी थे तेजी से था और यहाँ सस्टेटर ब्रॉटेन्ड डिक्रीज मतलब सस्टेन्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस डिक्रीज लेकर आया कॉन्टीन्यूस डिक्रीज है तो जब भी आपको लगा कि इसके बाद तो बड़ा ही नहीं तो आप क्या कहोगे देयर वॉज अ सस्टेंड डिक्रीज एक सस्टेंड डिक्रीज थी तो ये जो है हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए था अगर आपको लगता है कि आपको ये सुनने ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हुई है इट मीन्स आपको क्या चाहिए थोड़ा और सिंपल लेवल से आपको एक आ, चाहिए कि मैं सिंपल लेवल से समझाऊँ थोड़ा सा ताकि आप इस लेवल तक पहुँचने से पहले आप कुछ और ईजी जो है वो सीख सको पहले तो उसके लिए आप मुझे comment करो थोड़ा सा और इजी तरीके से आई विल एक्सप्लेन एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए सिक्स पॉइंट फाइव जी प्लस चाहिए आई ऐसे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अलग अलग वेराइटी के सेंटेंसेज हम बना सकते इंटरेस्टिंग तरीके से प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट द सजेशन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड दिज माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू नीड आइल्स कोचिंग थैंक यू